अस्सलाम वालेकुम अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्वलिटी एंड अन एक ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है दैट इज़ नाइन एक्स इज इक्वल टू नाइन एक्स अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ के टेबल्स के ऊपर हम जाएँ तो ये इक्वलिटी वाले टेबल के ऊपर ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए इज इक्वल टू ए तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो यही चीज हमारे पास है कि 9x एक्स इज इक्वल टू नाइन तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी उसके बाद सेकेंड पार्ट है इफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री देन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री इसको आप यू समझ लें कि ये हमारे पास क्या है ए और ये है बी तो आप इसको लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी और वाई को हमने बी कहा हुआ है तो b इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री को मैं c कह देता हूं तो यहां पर देखो x प्लस टू ये x प्लस टू है तो ये x प्लस टू किस की इक्वल है a की इक्वल है इस तरह से टू एक्स माइनस थ्री टू एक्स माइनस थ्री किसकी इक्वल है ये ये c की इक्वल है तो a इज इक्वल टू c इसका मतलब ये हुआ कि अगर a b की इक्वल हो और b सी क्यू इक्वल हो तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इज इक्वल टू सी के हैं इज इक्वल टू सी के हैं तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू सी अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं इक्वलिटी के यहां पर देखें ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाए आ जाएगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अब थर्ड पार्ट है इफ टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू तो वाई देन y इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इसको यूं समझ लें कि दिस इज दिस इज बी तो ए इज इक्वल टू बी तो बी वाई क्या है बी बी इज इक्वल टू ए तो ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू ए अब हम आते हैं इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज की तरफ तो यहां पर देखें ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू ई एट इज इक्वल टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अब फोर्थ पार्ट थ्री लेस देन फोर देन माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस फोर यहां पर हुआ क्या हमारे पास एन इक्वलिटी है यानी लेस देन या ग्रेटर देन हो तो उसको हम एन तो पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो लेस ग्रेटर में और ग्रेटर लेस में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि जब हमने थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री बना फोर को भी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर बना तो यहाँ पर ये लेस वाला साइन क्या बन गया ग्रेटर बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया और वो अगर हम प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे एनिक्विलिटी के तो इसका मतलब ये है यह है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी अब मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी क्या है यहां पर देखें कि ए लेस देन बी ए लेस देन बी और जब सी मल्टीप्लाई किया दोनों साइड पे लेकिन वो सी क्या हो वो नेगेटिव नंबर हो सी क्या हो नेगेटिव नंबर हो तो फिर ये लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई तो ये है मल्टीप्लीकेटिव uh, प्रॉपर्टी तो यह पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी अब फिफ्थ पार्ट है इफ़ टू वाई प्लस टू डब्ल्यू इज इक्ल टू पी आप इसको ऐसा मे के ए इज इक्ल टू बी पी को आप बी कह दें और पी को हमने बी कह दिया तो इज इक्ल टू फिफ्टी को मैंने सी कह दिया तो इसका मतलब ए इज इक्ल टू बी बी इज इक्ल टू सी देन इसको हमने क्या कहा हुआ है टू वाई प्लस टू डब्ल्यू को हमने ए कहा हुआ है तो इसको ए कहेंगे इज इक्वल टू फिफ्टी को हमने क्या कहा सी तो ए इज इक्वल टू सी पहले भी हमने डिस्कस किया कि ए बी की इक्वल है बी सी की इक्वल है तो इनडायरेक्टली ए uh, जो है वो किसकी इक्वल होगा वो सी की इक्वल होगा तो ए इज इक्वल टू सी तो इसको अगर हम प्रॉपर्टीज की तरफ भी जाएंगे तो यहां पर देखें ए ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखें ए इज इक्वल टू बी बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी तो ए डायरेक्टली सी की इक्वल है तो ये क्या है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है तो ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसके बाद है सिक्स्थ पार्ट है एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू वाई प्लस फोर देन एक्स ग्रेटर देन वाई देखिए यहां पर ग्रेटर अपनी जगह पे है लेकिन यहां पर क्या हुआ फोर यहां पर था यहां पर था ये प्लस फोर प्लस फोर दोनों साइड से कैंसल हो गया है तो इसका मतलब कोई कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज हुए तो एन एक्विलिटी की तरफ जाएंगे एन एक्विलिटी में कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखिए ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी 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 कैंसल हो गया तो ए ग्रेटर देन बी तो यह है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन उसके बाद है सिक्स पार्ट सेवेंथ पार्ट टू लेस देन फाइव फाइव लेस देन नाइन देन टू लेस देन नाइन ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है देखें ये ए लेस देन बी बी लेस देन सी देन ए इज लेस देन सी एंड डायरेक्टली इस तरह अभी हमने डिस्कस किया था तो ये भी वही प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लास्ट वन माइनस एटीन लेस देन माइनस सिक्सटीन देन नाइन ग्रेटर देन एट तो अब ग्रेटर क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस वन ओवर टू हम मल्टीप्लाई कर दें माइनस एटीन के साथ और इस तरह से माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाई कर दें माइनस सिक्सटीन के साथ जब यहाँ पर कटिंग होगी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा टू नाइन जर एटीन तो नाइन बन जाएगा और इस तरह से यहाँ पर भी टू एट जेड सिक्सटीन ये भी तो क्योंकि नेगेटिव माइनस वन ओवर 2 माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाई किया तो ये वाला जो लेस वाला साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया ग्रेटर में तो नाइन ग्रेटर देन एटीन तो ये हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आई होंगी तो लिहाजा अपने दोस्तों के साथ आ, मेरा लेक्चर ज़रूर शेयर किया करें